गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू ऑनलाइन क्लासेस. दिस इज़ योर इंग्लिश वीडियो. ओके स्टूडेंट्स, टुडे इन इंग्लिश वीडियो वी आर स्टार्टिंग आर न्यू लेसन, लेसन नंबर 4, जो द इमोजी. इमोजीज आप सब जानते हैं, आप सब मोबाइल का यूज़ करते हैं. तो उन मोबाइल पे जो जो आपके फेसेस बने होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? इमोजीज कहते हैं. चलिए स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आर क्लास. आई एम द जो द इमोजी. ये कह रहा है मेरा नाम जो है और मैं एक इमोजी हूँ. ठीक है, जो जो इमोजी आप देखते हैं मोबाइल पे, उसको उसी के बारे में बात हो रही है. तो ये अपने बारे में बता रहा है कि मैं जो हूँ, मेरा नाम इमोजी है. और बताता है आई एम व्हेन आई एम ग्लैड, यानी कि जब मैं खुश होता हूँ तो मेरा फेस इस तरह से होता है. जैसे आप खुश होते हैं तो आपके चेहरे से लालिमा दिखाई देती है, आपकी आंखें चमक रही होती हैं. उसी प्रकार से जब आप ग्लैड होता है तो इस तरह से आंखें उसकी दिखाई देती हैं. और जब मैं गुस्से में होता हूँ तो मेरा चेहरा इस तरह से होता है. आई एम डैश व्हेन आई एम एंग्री. मेरे गुस्से में मेरा चेहरा कैसा है, लाल हो जाता है, आँखें की ऊपर की वो आईब्रोज तनी होती हैं, है ना, इस तरह से वो आईब्रो ऐसे कर लेता, मुँह सड़ा लेता है. राइट, व्हेन आई एम सैड. और जब मैं गुस्सा होता हूँ तब क्या होता है? जब आप उदास होते हैं या फिर सॉरी आप उदास होते हैं तो आपका चेहरा कैसे हो जाता है? आपका चेहरा बुझा बुझा सा हो जाता है, आँखों से आंसू आ रहे होते हैं, आप परेशान से दिखाई देते हैं, आपकी आंखें भरी भरी सी नज़र आती हैं, आंखें सूज सी जाती हैं. तो आपके जब उदास होने पे कैसा फेस हो जाता है? इस तरह से फेस हो जाता है. फिर व्हेनेवर आई एम सिली, यानी कि जब मैं बेवकूफ़ दिखता हूँ, कैसा लगता हूँ? सिली माने बेवकूफ़ सा लगता हूँ. तो जब सिली माने कि मैं कोई मजाक कर रहा हूँ तो किस तरह से होता हूँ? माई डैश गो लाइक दिस. तो मेरा फेस किस तरह से होता है? मैं मजाक कर रहा हूँ तो मैं एक आँख बंद करके करते हैं ना, बच्चे एक दूसरे को बोलते हैं तो आँखें बंद करके आँख मारते हैं. तो व्हेनेवर आई एम सिली आई गोज लाइक दिस. ओके, उसके बाद व्हेन आई डैश इफ लाइक यू और ब्लो यू आर दिस. तो अगर आप में सिली होते हैं तो कैसे कर रहे होते हैं? एक आँख मार के हंस रहे होते हैं. और आप दूसरे को चिढ़ा रहे होते हैं तब भी कैसे करते हैं? जान के सीटी बजा रहे होते हैं. तो ये वही बता रहा है आई डैश इफ आई लाइक यू और आई ब्लो यू आर दिस. यानी ब्लो करते हैं आप किसी को, अच्छा देखते सुंदर देखते तो कैसे करते हैं? सीटी मारते हैं ना, उसको देख के विसल बजाते हैं. तो वही आपको कर रहा है इस तरह से. उसके बाद है आई दिस तरह से व्हेन आई एम टायर्ड. जब आप थक जाते हैं एकदम, बहुत काम करके परेशान, एकदम आपको आराम करने का मन कर रहा होता है तो आपको नींद नींद सी आने लगती है, तो आपका फेस कैसे हो जाता है? एकदम आंखें बंद, मन करता है सो जाओ, कहीं लेट जाओ, तो उस तरह से फेस हो जाता है. व्हेन आई एम अफ्रेड, जब मैं कैसा होता हूँ, मतलब डरा हुआ एकदम से, मतलब किसी चीज़ को देख के टेंशन हो रही है, मन में कुछ विचार चल रहे हैं, तो मेरा फेस किस तरह से हो जाता है? मैं परेशान से हो जाते हैं, परेशान होकर क्या कहते हैं, रोने भी लगते हैं एकदम से परेशानी की हालत में, कि मैं कैसे फेस कर पाऊँगा, किस तरह से सब चीज़ों को मैं सामना कर पाऊँगा. आई हैव द मोस्ट फ्लैक्सीबल एवर मेड, यानी कि फ्लैक्सीबल मेड मतलब होता है बच्चों कि मैं इतना लचीला हूँ कि मुझे किसी भी तरह से आप मोड़ लो, तोड़ मरोड़ लो, कुछ भी कर लो और मैं कुछ भी कर सकता हूँ. तो मेरा फेस कैसे हो जाता है? कभी ये होता है ना कि किस तरह से करना है कोई आपको पता नहीं है, किसी फीलिंग्स को देख के तो आपने मुंह अजीब से चढ़ा लिया, बना लिया. तो आई हैव द मोस्ट फ्लैक्सीबल एवर मेड, यानी कि इतना कोई भी फ्लैक्सीबल नहीं जितना कि मैं फ्लैक्सीबल हूँ. ओके, आई होप डैट यू अंडरस्टैंड मी. ये थम का मतलब क्या होता है? अंडरस्टैंड मी, यानी कि आप समझ गए होंगे. कोई भी काम आप करते हैं, आपने अगर काम अच्छा किया है या जो आपको सामने वाला जिस तरह से काम कह रहा है उस तरह से किया है, तो आपको थम दिखा के कहता है यस गुड, या आपने काम ख़त्म कर लिया तो डन, मैंने काम ख़त्म कर लिया है, या आपने काम सही किया है तो आपको दिखा दिया कि गुड हो गया. एंड आई डोंट थिंक आई एम रूड. मैं ये नहीं सोचता हूँ कि मैं बेरुखा हूँ या फिर मैं किसी से बात नहीं करता हूँ. मैं इस तरह से नहीं, तो बिल्कुल फ़नी वाली बात होगी, मैं बेरुखा बिल्कुल नहीं हूँ, मैं रूड नहीं हूँ. आई एम द जो द इमोजी. आई एम वन ड्यूड, यानी कि मैं अकेला इमोजी हूँ जो सब में राज करता हूँ, मैं ड्यूड हूँ. मैं आजकल के अकॉर्डिंग बच्चों को जो पसंद होता है उसी के अनुसार रहता हूँ और मज़े करता हूँ. तो बच्चों कैसा लगा आपको ये इमोजीज? आपको अच्छे लगे ना? आप जो मोबाइल में नॉर्मली यूज़ किया करते हैं वही इमोजीज हैं. आप किसी चैटिंग करते हैं, कुछ कहना होता है तो आप इन्हीं को बात करते हो. ओके, आपके पेज नंबर 24 पे ये पोयम है, मैं एक बार फिर से आपको रीड करा देती हूँ. आई एम द जो द इमोजी. आई एम डैश व्हेन आई एम ग्लैड. आई एम डैश व्हेन आई एम एंग्री.
आई एम डैश व्हेन आई एम सैड, यानी कि जब आप ग्लैड होते हो तो आपका फेस ऐसा होता है, जब एंग्री होते हो तो ऐसा होता है, जब ग्लैड होते हो सैड होते हो तो ऐसा होता है। व्हेन एवर आई एम सिली माई डैश गो लाइक दिस, अगर मैं सिली लग रहा हूँ तो मेरा फेस कैसा हो जाता है, इस तरह से हो जाता है। आई डैश इफ लाइक यू और ग्लो यू आर, मैं इस तरह से मूव कर देता हूँ जब मैं आपको पसंद करता हूँ और या फिर आपको आपको देखिए मैं मुस्कुरा रहा होता हूँ। आई डैश व्हेन आई एम टायर्ड, जब मैं थका हुआ होता हूँ तो किस तरह से करता हूँ। आई डैश व्हेन आई एम अफ्रेड, अगर मैं डरा हुआ होता हूँ तो मैं किस तरह से बनाता हूँ, रोल रहा होता हूँ। आई हैव द मोस्ट फ्लेक्सीबल, मैं बहुत लचीला हूँ। एवर मेड, इसलिए मुझे इस तरह से बनाया गया है। आई होप डैट अंडरस्टैंड मी, मतलब थंब दिखा के मैं सोचता हूँ कि आप मुझे समझ गए होंगे। एंड आई डोंट थिंक आई एम रूड, और मैं नहीं सोचता हूँ कि मैं बेरुखा हूँ, मैं किसी से भी बेरुखी से बातें करता हूँ। आई एम द जो द इमोजी, मैं जो हूँ इमोजी हूँ। आई एम द वन डैट डूड, यानी कि मैं कैसा हूँ, डूड हूँ। डूड माने कि मैं आजकल के अकॉर्डिंग सबको खुश रखने वाला हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी पोएम हो गई है। आई होप कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपने बहुत ध्यान से देखी होगी, समझी होगी। इसमें आपका होमवर्क होगा कि आपको जो इमोजीज हैं आप ये अपनी कॉपीज में बनाएंगे। इस तरह का इमोजीज बनाएंगे तो उसका मतलब है ग्लैड, ये इमोजी बनाएंगे तो मतलब है एंग्री, इस तरह से बनाएंगे तो मतलब सैड, यानी कि हर इमोजी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको उसके बारे में ऐसे लिखना होगा पिक्चर बना के। ठीक है, ये आपके लिए इंटरेस्टिंग वर्क है, आपको मज़ा भी आएगा करने में, आप खुश होकर करेंगे। फर्स्ट होमवर्क इज़ दिस एंड सेकेंड होमवर्क इज़ वर्ड मीनिंग, राइट अ वर्ड मीनिंग इन योर कॉपी। ओके, तो हम लोग आज की वीडियो में बस इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज वगैरह जो हैं मैं आपको करवा दूँगी। ओके स्टूडेंट, हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।